हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में राजनीति तेज है। 1 अक्टूबर को प्रदेश में चुनाव करवाए जाने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सत्ता पर काबिज भाजपा की नजर भी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने पर है, लेकिन इसी बीच हरियाणा बीजेपी की ओर से शेयर किए गए वीडियो पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। दरअसल हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसका कैप्शन बच्चे बच्चे की पुकार, हरियाणा में फिर से नायब सरकार लिखा गया था। इसी वीडियो को लेकर अब चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि बीजेपी की वीडियो शेयर करते ही विपक्ष ने आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। हरियाणा अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि बीजेपी लगातार ऐसे काम करती रहती है जो आदर्श आचार संहिता और देश के संविधान का उल्लंघन करते हैं। अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो और बीजेपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा कि चुनाव आयोग ने किस आधार पर बीजेपी से जवाब मांगा है। तो यहाँ आपको बता दें कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल और चुनाव अधिकारी किसी भी बच्चे को इलेक्शन प्रोसेस में शामिल नहीं कर सकते, जिसका उल्लेख चुनाव आयोग ने अपने पत्र संख्या 4/3/2023 SDR वॉल्यूम X दिनांक 5 फरवरी 2024 में पहले ही कर चुकी है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में आचार संहिता लगाई जा चुकी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की ओर से क्या दलील दी जाने वाली है। साथ ही जिस तरह से विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है, उससे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये देखने वाली बात होगी।